संस्थान के प्रधान श्री ललित गुप्ता जी, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री शरद चंद्र अग्रवाल जी और श्री वेद प्रकाश राठी जी से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही जयवीर जी पास रहो। गौरी के लाडले प्रथम पूज्य गणपति गणेश की वंदना से हम कार्यक्रम का श्री गणेश करेंगे। गणेश वंदना भरतनाट्यम शैली में प्रस्तुत कर रही हैं नीरज मोदी। वंदना के बोल हैं, एक दंताए वक्रतुंडाए गौरी सुताए धीमहि, गणेशानाए भालचंद्राए श्री गणेशाए धीमहि। नीरज मोदी।
जन्म लिया। जब मेरे घर बेटी ने जन्म लिया, हमने आपस में कुछ विचार किया। माँ हूँ, सोचा इसको सीता का रूप दूंगी, इसके सारे गुण उसमें रोप दूंगी, अपनी बेटी को बनाऊंगी दया करुणा और धैर्य की मूर्ति। लेकिन तभी एक विचार कौन आया, क्या आज के जमाने में इतना धैर्य काम आएगा? क्योंकि अब एक रावण से नहीं, कई रावणों से इसका सामना होगा। अभी तो दक्षिण दिल्ली का ताजा कांड सबने सुना है, बड़े धरने हुए, बड़े विरोध हुए, मीडिया में भी काफी उछाला गया। जब स्त्री जाति का इतना अपमान हुआ, इतना शोर मचा। मॉडर्न जमाना है, रावण के कई रूप आए हैं। कई तो रावण दिखते हैं पर कुछ सफेद पोश हैं जिन्होंने मुखौटे लगाए हैं। उसे इन सब का सामना करना होगा। तो क्या सीता के साथ साथ दुर्गा के गुणों का समागम कैसा रहेगा? आप भी सोचिए कैसा रहेगा। क्या आज की नारी को दुर्गा का रूप लेना चाहिए? ना बताइए, ये हर माँ की व्यथा है। धन्यवाद। जो तुझको जिंदा रहना है, दुर्बलता को दूर भगा दे। वीरों के ही लिए धरा है, वीरों के ही लिए धरा है उसका गर्वीला संबल। चल साधक चल, आज नहीं तो कल, तेरे ही हाथों से होगा मातृभूमि का हल। अंतिम छंद है। तू क्यों बैठा है घर में, तू क्यों बैठा है घर में, आग लगी भारत भर में। तू क्यों बैठा है घर में, आग लगी भारत भर में, पर्वत का ही पिघल रहा है, पर्वत का ही पिघल रहा है। खोला है जल सागर में, खोला है जल सागर में। चल दीवानी चल, चल दीवानी चल, दिखा दे अपना बाहुबल, अब दिखा दे अपना बाहुबल।
चल दीवानी चल, चल साधक चल, आज नहीं तो कल, तेरे ही यारों से होगा जो साथ बनी का नल। जो ये अधिकारी पीछे खड़े हैं बैठ जाएं। सुखबीर जी आप बैठ जाइए सभी। हाँ, अभी जो राजेश जी ने बात कही, हम अपनी संस्कृति को भुलाने लगे हैं और भारतीय योग संस्थान उसी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए संस्थान ने हमें साधना, सेवा एवं समर्पण का मार्ग दिखाया और जो इस मार्ग पर चला उसी ने कहा जीना इसी का नाम है और यही संदेश दे रहे हैं प्रतिमा, गोविंदर, इंदु, नीनू, सुखविंदर, पूनम, रोशनलाल पठेजा, राम अवतार और अभिनव जी। अपनी कव्वाली जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। ताली तो बजा दो। Thank you.
मन में बहार आते लाल जी, श्री देशराज जी, श्री राय सिंह जी, श्री गिरधारी लाल जी, श्री ललित गुप्ता जी और वेद प्रकाश राठी जी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम का संचालन श्री शरद चंद जी करेंगे। शरद चंद, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आप सब लोगों के सहयोग से जब से ये कार्यक्रम आरंभ हुआ अब तक घड़ी की सुई के मुताबिक चल रहा है।
बल्कि मैं ये कहूँ कि हमने कुछ 5-4 मिनट बचाए ही हैं इसके अंदर, और आपको आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार से आप इस धैर्य के साथ इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, आपको 1 बजे के पश्चात बहुत ही मधुर स्वादिष्ट प्रसाद भी आपको मिलेगा, इसलिए बीच में कोई उठेगा नहीं, क्योंकि हम सब समय के अनुसार सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने खड़े हैं बैठ जाएंगे, खड़ों को बैठाओ, जितने खड़े, जितने भी दाएं बाएं हमारे अधिकारी कार्यकर्ता खड़े हैं, उन सब से नम्र निवेदन है कि वे जहां स्थान मिले वहां बैठ जाएं। कार्यक्रम की भव्यता इसी में है कि अनुशासन अंत तक बना रहे। हम सब क्योंकि योग से जुड़े हैं, इसलिए अनुशासन तो हमारे रग रग में है ही, और उस अनुशासन की ही वजह है कि सारा कार्यक्रम घड़ी की सुई के मुताबिक चल रहा है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, पीछे भी 2-3 बार कार्यक्रम हुए हैं, भारतीय योग संस्थान ने इस बार ये निर्णय लिया है कि भारतीय संस्कृति की परंपरा के मुताबिक हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है। ऐसे ही गीत जो राजेश जी ने कहा और अन्य कवियों ने कहा, आप सबसे निवेदन है, यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि प्रतिदिन अपने माता पिता का सम्मान उनके चरण स्पर्श करके करेंगे, ये भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में सहायक होगा। इसी प्रकार अष्टांग योग को जीवन में अपनाने के लिए अगर एक ही संकल्प कर लें कि प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले आत्मचिंतन कर ये विचार करेंगे, आज दिन में मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, और जब ऐसा आत्मचिंतन कर लेंगे जीवन में सत्य आ ही जाएगा। संकल्प करेंगे ना, सब संकल्प कर लीजिएगा कि जीवन में सत्य आए। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ दिल्ली प्रांत के प्रधान श्री ललित जी को, वे योग के प्रचार प्रसार प्रोत्साहन योजना 2013 के संबंध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सबका वसंत उत्सव पर, गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और वास्तव में वसंत उत्सव तब होगा जब हम योग से जुड़ जाएंगे, जब हमारा जीवन निरोगी और स्वस्थ होगा, और ऐसा ही समाज का हम निर्माण करेंगे। गणतंत्र दिवस की भी स्थिति अच्छी तभी होगी जब समाज सुधरेगा। इस गणतंत्र दिवस की स्थिति अभी जो पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर जो घटना हुई, उसने दिल्ली के हर निवासी को झकझोर दिया है। आओ जी, आप जाओ जरा, आओ जी, आप तो आओ जी, फोटो खींच रहे हैं। आई शुड नॉट कम टू दैट, खड़े हो जाओ साइड में, यहीं खड़े हो जाओ।